मैंने एक कैबिनेट बनवाया है, यहाँ पे आप इसकी थिकनेस देख सकते हो, ये 8mm का प्लाई है। मैं यहाँ पे फोकस करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो 8mm का प्लाई है, तो इसमें मैं स्पीकर के लिए हमने यहाँ होल कट किए हैं, 4 इंच के मैंने 2 होल्स को कट किया है, और यहाँ पे मैंने एक डिस्प्ले के लिए होल कट किया, और नीचे की साइड में यहाँ पे मैंने 4 लेग्स लगा दिए, जिसके वजह से ये हमें स्टैंड करने में आसानी हो। तो चलो आगे इस स्पीकर को बिल्ड करते हैं और इस पर इंस्टॉल करते हैं ड्राइवर्स। गाइस, यहाँ पे मैंने 2-4 इंचेस के मिड रेंज ड्राइवर लिए हैं, जिनमें कि बेस और ट्रेबल काफ़ी अच्छा आता है। तो चलो इनको इंस्टॉल करते हैं इसके हमारे इसमें कैबिनेट। तो गाइस, कैबिनेट में इंस्टॉल करेंगे, मतलब अंदर की तरफ से स्पीकर मैं ऐसे लगाऊंगा ताकि देखने में ये अच्छा लगे। तो चलो इसको इंस्टॉल करते हैं। गाइस, यहाँ पे मैं स्पीकर इंस्टॉल कर रहा हूँ। गाइस, यहाँ पे स्पीकर जो है हमारा, मतलब अच्छे से इंस्टॉल हो गया है, और आप फ्रंट लुक देख लो, कुछ ऐसा आ रहा है, मतलब ये इसमें से निकलेगा नहीं, इतना टाइट इसको कर देना है। अब चलो इसमें डिस्प्ले लगाते हैं। तो डिस्प्ले लगाने के लिए हमें एक डिस्प्ले चाहिए होगा। गाइस, यहाँ पे एक डिस्प्ले है जो कि मैंने पुराने ब्लूटूथ स्पीकर में से निकाला है, तो चलो इसको भी इसमें लगा देते हैं। गाइस, यहाँ पे मैंने डिस्प्ले भी लगा दिया है, फ्रंट से कुछ ऐसा लुक आ रहा है। तो ये जब डिस्प्ले जलेगा तो ये काफ़ी अच्छा दिखेगा। उसके बाद हम यहाँ कुछ फिनिशिंग वगैरह लगाएंगे, स्टिकरिंग। चलो पहले इसमें अब इसका रिसीवर लगाते हैं, डेट मीन्स कि इसका जो मॉड्यूल है, ब्लूटूथ मॉड्यूल, जो कि इन दोनों ड्राइवर्स को पावर देगा, तो उसको लगाते हैं। गाइस, ये वाली जो मदरबोर्ड है, तो ये मैंने पुराने ब्लूटूथ स्पीकर से निकाला है, और यहाँ पर मैंने एक चार्जिंग केबल कनेक्ट किया है, क्योंकि यहाँ पर जो इसका चार्जिंग सॉकेट है वो ख़राब हो गया है। तो मैंने यहाँ एक्सटर्नली खुद से यहाँ एक चार्जिंग पिन लगा दिया है। और तो चलो इसको, यहाँ से हमारे 2 स्पीकर के आउटपुट हैं, और यहाँ पे जो डिस्प्ले हमारा वो लगेगा। तो चलो इसको स्पीकर में फिट करते हैं और देखते हैं कि कैसा आवाज़ आता है। इस किट को फिट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक बैक पैनल बनाया है। तो यहाँ पे मैंने होल कट किया था, कि मैं सोच रहा था कि इसको ऐसे करके इसके IOs लगा देता, बट फिर यहाँ पर कुछ बड़ा होल हो गया, तो मैंने यहाँ एक लकड़ी का टुकड़ा काट के और उसको ब्लॉक कर दिया है। और यहाँ पे मैंने होल कर लिए हैं ताकि इसका जो बटन है, बटन जिससे कि मोड वगैरह चेंज हो सके स्पीकर का, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे होल किए हैं। तो चलो इसमें किट को लगाते हैं और फिर स्पीकर को बिल्ड करते हैं। ये जो किट है, तो इसको हमें यहाँ बोर्ड पे फिट करना है। तो चलो इसको फिट करते हैं स्क्रू के द्वारा। गाइस, बोर्ड जो है, यहाँ पे स्विच देख लो, स्विच अच्छे से इसमें हो गए हैं, जिससे, और यहाँ पे मैं बटन्स लगा दूंगा जिससे कि इन्हें टैप करने में मुश्किल ना हो। तो चलो यहाँ पे मदरबोर्ड लगाते हैं इस एरिया में। जो हमारा मदरबोर्ड है, इसको मैंने अच्छे से फिक्स कर दिया है। तो अब इसके कनेक्शन पे आते हैं। तो ये जो चार्जिंग सॉकेट है, तो इसको मैं डायरेक्ट यहीं पे लगा दूंगा जहाँ मैंने होल्ड करके रखा था पहले से। तो यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे ये काफ़ी अच्छे से आ गया है चार्जिंग सॉकेट। तो अब यहाँ पे एक स्विच लगाते हैं और LED इंडिकेटर लगाते हैं, जिससे कि चार्जिंग करने टाइम हमारा जो चार्ज हो रहा है या नहीं स्पीकर, वो पता चलेगा। तो यहाँ पे देखो, मैंने एक रेड कलर का LED लिया है, इसको मैं यहाँ पे लगाऊंगा। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे रेड कलर का LED लगा दिया हूँ। अब इसको चलो कनेक्शन करते हैं। गाइस, कनेक्शन जो है वो हो चुके हैं। तो LED का जो कनेक्शन है, एक बार मैं आपको दिखा दूँ, LED का जो कनेक्शन है उसको मैंने डायरेक्ट LED से कनेक्ट कर दिया है। और यहाँ पे मैंने स्विच के लिए 2 एक्स्ट्रा वायर निकाले हैं, तो यहाँ स्विच लगा के और उसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ स्विच से। यहाँ पे मैंने ये वाले स्विच का इस्तेमाल किया है, इसको मैं लगा देता हूँ। और अब स्विच के कनेक्शन को कर देते हैं।
स्विच का जो कनेक्शन है वो हो चुका है, यहाँ देख लो स्विच लग गया, चार्जिंग पोर्ट लग गया और एलईडी इंडिकेटर लग गया और स्विच लग गया। तो इसका जो कनेक्शन मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ से देखो ये जो स्विच का कनेक्शन है ये डायरेक्ट यहाँ मदरबोर्ड में आया है स्विच के कनेक्शन से, और जो एलईडी बल्ब है हमारा उसका मैंने यहाँ डायरेक्ट एलईडी बल्ब से दे दिया है, और जो हमारा ये चार्जिंग वाला ये तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ चार्जिंग जैक से मैंने दे दिया। तो चलो अब इसका जो आईओज है, बटन है, डिस्प्ले और स्पीकर है, उसको लगाते हैं। तो ये वाला जो पोर्ट है ये हमारे बटन का है, तो इसको बटन वाले पोर्ट में लगा देते हैं सिंपली। तो यहाँ मैं इसको लगा दे रहा हूँ। चलो ये तो हो गया गाइस, अब कनेक्ट करते हैं स्पीकर और डिस्प्ले और बैटरी कनेक्ट करके फिर बजा के देखते हैं। गाइस यहाँ पे जो कैबिनेट में स्पीकर है मैंने लगा दिया है, यहाँ सामने से मैंने आपको दिखाया भी था, और यहाँ पे जो बैक पैनल पे मैंने लगाया है किट है, आईओ जो है, स्विचेस है और चार्जिंग पोर्ट है। तो इसको अब एक साथ कनेक्ट करते हैं और इसमें बैटरी भी इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम कनेक्शन करेंगे बैटरी की, क्योंकि बैटरी सेट करना ज़्यादा ज़रूरी है। बैटरी मैंने ली है यहाँ पे 7.4 वोल्ट की लिथियम आयन बैटरी है, जो कि 1800 एमएच की बैटरी है, जो कि आराम से आपको 3-4 घंटे का बैकअप दे देगी। तो इसको सबसे पहले कनेक्ट करते हैं हम इसके मदरबोर्ड में। यहाँ पर बैटरी मैं लगा देता हूँ, यहाँ बैटरी हो गया। अब चलो स्पीकर को लगाते हैं, इसको तो मैं बाद में टेप से यहाँ चिपका दूँगा अंदर। यहाँ सबसे पहले स्पीकर लगाते हैं। गाइस यहाँ पे स्पीकर के कनेक्शन और डिस्प्ले के कनेक्शन हो गए हैं, और यहाँ पे एक एंटीना एफएम वायर है, तो और बैटरी जो है हमारी वो अंदर पे है, तो उसको मैं बाद में चिपका दूंगा। चलो अब इसको इनक्लोज़र को क्लोज करते हैं, और ये जो है एंटीना वायर है तो इसको मैं अंदर कर दे रहा हूँ कि जितनी हमें नीड है उतनी ही चाहिए। तो चलो इसको मैं फटाफट से स्क्रू कर देता हूँ यहाँ पर। गाइस यहाँ पे जो सारे स्क्रूज़ हैं मैंने इसको कस दिया है, यहाँ पे मैंने 4 स्क्रूज एक्स्ट्रा के लिए किए थे, तो स्क्रूज़ आते हैं वैसे मैं इसको कस दूंगा जब फिनिशिंग देना होगा। तो चलो अब इसको फाइनल टेस्ट करके देखते हैं कि इसका आवाज़ कैसा आ रहा है, ये कैसा काम कर रहा है। गाइस इसको चलो मैं ऑन करता हूँ यहाँ से, तो ये स्विच ऑन हो गया, और गाइस आवाज़ तो आ गई, डिस्प्ले अभी आपको शो नहीं हो रहा होगा, मैं दिखाता हूँ यहाँ अंधेरे में डिस्प्ले शो होगा, पता नहीं आपको दिख रहा हो या नहीं, पहले मैं अंधेरे में भी दिखा दूंगा। तो चलो अब इसको कनेक्ट करते हैं और बजा के देखते हैं कि इसका फाइनल साउंड कैसा आता है। इसको मैं ब्लूटूथ से कनेक्ट करता हूं गाइस। द वायरलेस डिवाइस हैज कनेक्टेड सक्सेसफुली। गाइस कनेक्ट हो गया है, चलो अब मैं इसमें कुछ प्ले करके देखता हूं। गाइस कोई दूसरा बेस वाला सॉन्ग लगा के देखते हैं।